ये कहानी जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की बहुत साल पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर सम्राट ब्रह्मदेव जी का भक्त था। एक दिन वो ब्रह्मदेव जी की तपस्या में विलीन था कि तभी देवराज इंद्रदेव ने धोखे से उसे मार दिया। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में जन्म लिया और फिर से ब्रह्मदेव जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, अब तुम अपना इच्छा युक्त वरदान मांग सकते हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? ए प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरा जितना भी रक्त गिरे उनसे मेरे जैसे ही रक्त बीज पैदा हो जाएं, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन जाता है। अपने महाबली और ताकतवर होने के घमंड में वो एक बार माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब रक्त बीज से युद्ध करने के लिए महाकाली प्रकट होती है। मैं शक्तिशाली असुर, ब्रह्मदेव से मिले वरदान की वजह से कोई मुझे मारना तो दूर बल्कि पराजित तक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो मेरी सेना ही काफी है। रक्त बीज के ये कहते ही असुर सेना और महाकाली के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। लेकिन रक्त बीज महाकाली पर प्रहार न करके छल से जगत जननी पर प्रहार करने लगता है। असंभव, असंभव, मेरे प्रहार से बच पाना असंभव है जगत जननी। रक्त बीज को ऐसा करता देख महाकाली प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं और वो रक्त बीज को ललकारते हुए कहती है, रक्त बीज, अब तुझे इस महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते ही महाकाली रक्त बीज पर शक्तिशाली प्रहार करने लग जाती है और रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदे जमीन पर गिरने लगती है। उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगता है। ये देख महाकाली हैरान रह जाती है। मुझे मारना असंभव है, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बची रहेगी तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। रणभूमि में भयंकर युद्ध लगातार चलता रहता है और रक्त बीज के रक्त की बूंदों से हजारों लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, हे काली, तुम जल्दी से इसके रक्त की बूंदों को अपना आहार बना लो। जगत जननी के इतना कहते ही महाकाली के क्रोध की ज्वाला फूट पड़ती है और वो जोर से ललकारते हुए कहती हैं, आओ आओ, सब के सब इधर आओ और मेरा आहार बनो, अपने रक्त से मेरी शुधा शांत करो। इसके बाद महाकाली एक एक करके सभी रक्त बीजों को अपना आहार बना लेती है और अंत में रक्त बीज का गला काट कर उसको अपने खप्पर में रख लेती है और उसके रक्त को पी लेती है। रक्त बीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं होता। उनके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती हैं, अभी मुझे और रक्त चाहिए, और चाहिए, अभी मेरी शुधा शांत नहीं हुई है, मुझे रक्त दो, मुझे रक्त पीना है। ये कहते हुए महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। अरे महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो रही हैं, वो तो हमारी ही ओर चली आ रही हैं, बचाओ बचाओ। लगता है महाकाली का क्रोध जल्द शांत नहीं होने वाला है। फिर जैसे ही और देवगणों को अपना आहार बनाने के लिए आती हैं, तभी गणेश जी बीच में आ जाते हैं और महाकाली गणेश जी से कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे रक्त चाहिए रक्त। किंतु माता, आप देवगणों का रक्त कैसे पी सकती हैं? कृपया करके अब आप शांत हो जाइए। गणेश की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता और वो गुस्से में गणेश जी पर प्रहार करने के लिए अपना शस्त्र उठा लेती है। महाकाली का ऐसा रूप देखकर सभी देवगण डर जाते हैं और वो जल्दी से विष्णु और ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें महाकाली के क्रोध से बचाओ, रक्त बीज का रक्त पीते पीते महाकाली अब हमारे रक्त की प्यासी हो गई है। ये सुनकर ब्रह्मदेव जी कहते हैं, अब तो महाकाली का क्रोध केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वो तो इस समय ध्यान की अवस्था में है।
महादेव को ध्यान की अवस्था से बाहर निकालने का कार्य तो केवल गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं। सभी देवगणों के कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं। इसके बाद महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। अब शांत भी हो जाओ देवी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये विकराल प्रचंड रूप लिया था अब वो पूरा हो चुका है। रक्त बीज का अंत हो चुका है। किंतु महाकाली महादेव की बातों को अनसुना कर क्रोध की अग्नि में जलती रहती हैं और उनको नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगती हैं। महाकाली का गुस्सा शांत न होता देख महादेव उनके मार्ग में लेट जाते हैं और तभी अचानक महाकाली अपना पैर महादेव की छाती पर रख देती है। किंतु जैसे ही नीचे देखती है उनका हृदय चीख उठता है। तभी उनकी जीभ बाहर आ जाती है और वो कहती है, हे महादेव मुझे क्षमा कर दे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कहते ही महाकाली को वास्तविकता का एहसास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और जोर जोर से महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ जगत जननी पार्वती की जय माँ काली। जंगल के किनारे माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था। दिन के समय वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर शाम के समय मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। जय माँ काली पंडित जी, बस 2 मिनट अगर आप कहें तो मैं माँ काली के दर्शन कर लूँ। कर लो बेटा, पर जल्दी करना, शाम के समय जंगल के आसपास चोर उचक्के घूमते हैं, इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी, माँ काली के दर्शन करके धन्य हो गया, अच्छा मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था। राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ काली, आप तो जानती हो चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है, अगर मैंने चोरी नहीं की तो घर पर मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं आपके मंदिर से ये सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से घंटा चोरी करके मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं आज मंदिर में चोरी करते हुए मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने कई बार बहुत से घरों में अमीर सेठ और पैसे वाले लोगों के घर में चोरी की है, पर कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ काली मुझे कुछ कहना चाह रही हो। मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता, काली माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपके मंदिर में चोरी करने आया तो था, पर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, पर देवी मैया मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इस चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ, मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक न जाऊं, जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया, वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको लगता है माँ काली हमारी मदद करेंगी? हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है, अगर उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देंगी, मुझे उन पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को हर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। कुछ दिन तक राजू उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वे भी माँ काली के परम भक्त थे। एक रात सेठ मनोहर लाल जब गहरी निद्रा में सो रहे थे तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। माँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ,
इतना कहते ही माँ काली अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन सेठ मनोहर लाल राजू के घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुँचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? राजू, मैं जानता हूँ तुम माँ काली के भक्त हो, वैसे ही मैं भी माँ काली का भक्त हूँ। समझ लो, उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू समझ जाता है कि हो ना हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मनोहर लाल को उसके पास भेजा है। सेठ मनोहर लाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ रुपए देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ जी के घर काम पर लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी और सेठानी दोनों इस दुनिया में अकेले थे। एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई, तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। राजू बेटा, तुमने बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह। तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने भी तो मुझ गरीब पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर काम करते हुए एक साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूं कि मेरे जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम राजू को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और मंजूर था। सेठानी दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे, इसलिए राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। पिंकी बिटिया, बंटी बेटा, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए हैं। सेठ जी, ये दोनों बहुत शैतान हो गए हैं, आप इनके लिए रोजाना कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं और ये दोनों आपको परेशान करते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलो। नहीं बापू, हमें दादाजी के साथ और खेलना है। मुझे भी बापू दादा के साथ खेलना है। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो राजू से कहते हैं, राजू, तुम सबका साथ पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो, और आज मैं सेठानी की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जब तक मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं, मैं तुम सबके साथ गुजारना चाहता हूँ। अब से तुम कानूनन मेरे बेटे बनकर इस घर में रहोगे। मैंने वकील साहब को बुलवाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका इतना प्यार पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। माँ काली ने आपसे मिलवाकर मेरे जीवन में ढेरों खुशियां दे दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि सेठानी की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या तुम सेठानी को अपनी माँ नहीं मानते थे? सेठ जी की बातें सुनकर राजू रो पड़ता है। अब राजू अपने परिवार के साथ सेठ जी का बेटा बनकर उनके घर में ही रहने लगा। जिंदगी के आखिरी वक्त में सेठ जी ने बेटा बहू और पोते पोती का सुख देख लिया और इस दुनिया से चले गए। राजू एक बेटे की तरह सेठ जी का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया, और आज माँ काली की कृपा से उसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी थी।